मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपने इस दिशा में एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग पार्टी से जुड़ सकें और इसका संदेश उन लोगों तक पहुंचाया जा सके। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी आपको मुफ्त बिजली और पानी देने का वायदा किया जा सकता है। क्या एमपी में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, इन सब जगह चुनाव लड़ेगी। आप जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों को जनता ने बारी बारी से मौका दिया हुआ है। अभी अब कांग्रेस की सिचुएशन अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो जनता बिल्कुल डिसइंचांटेड हो गई है कि यार इनको अगर वोट देते हैं तो ये या तो शुरू में या बाद में बीजेपी से सेटिंग कर लेते हैं। बीजेपी दूसरी तरफ उसके बारे में पब्लिक परसेप्शन ये है कि इनको ये इनके इन प्रकारेण सिर्फ सरकार बनाना इनका फोकस रह गया। तो जनता अब इससे ना थोड़ी सी बोर हो गई है, उब गई है। जनता को अब कुछ नया चाहिए, नए जमाने की राजनीति चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए परफेक्ट स्पेस है वहाँ पे। संगठन को अभी हमने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है, तो अब जो संगठन बनेगा, अभी उसको डिसॉल्व करने के दो कारण थे, एक तो परिवार बहुत बड़ा हो गया है और दूसरा जो भी इलेक्शन बाउंड स्टेट्स पे हम संगठन बनाते हैं वो इलेक्शन को फोकस रख के बनाते हैं। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने का भी मुद्दा उठ सकता है। आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा और कांग्रेस करीब 1.5 दर्जन सीटों पर खतरा मंडरा सकता है। इसमें वे सीटें भी शामिल हैं जहां 2018 में हार जीत का अंतर 1000 वोट के करीब था। कई सीटों पर जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट नोटा को मिले थे। ऐसी स्थिति में आपके उतरने से इन सीटों पर जीत का समीकरण बिगड़ने की संभावना है। बीना, कोलारस, जवारा, ग्वालियर दक्षिण, सुवासरा, जबलपुर उत्तर, राजनगर, दमोह, बियारा, राजपुर 80 सीट, देवतालाब, इंदौर 5, मानदाता, नेपान नगर, जोबट, गुन्नौर और पेटलावद आदि सीटों पर आम आदमी पार्टी की नजर है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस इन सीटों को लेकर परेशान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।